हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 14 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई आज की न्यूज़ ज़्यादा है, तो इसलिए उन पर फोकस रखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मैंने आपको 10 दिन पहले करीब बताया था कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षा, वो श्रीलंकन क्राइसिस को देखते हुए इस बात पर अग्री कर गए हैं कि ये प्रधानमंत्री नया नियुक्त करेंगे श्रीलंका में। तो इनके भाई महिंदा राजपक्षा जो हैं, इनको स्टेप डाउन किया गया और इनकी जगह पर रेनिल विक्रम सिंघे को नया प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया गया है श्रीलंका का। रेनिल विक्रम सिंघे इससे पहले 5 बार प्रधानमंत्री की पोस्ट सर्व कर चुके हैं। ये इनका छठवां कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। इससे पहले रेनिल विक्रम सिंघे जब जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे हैं, तब भी श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन सर्वाइविंग मोड पे थी और सर्वाइव कर भी चुकी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री पद का और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, इस वजह से रेनिल विक्रम सिंघे को अपॉइंट किया गया है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर इनकी पार्टी भी ध्यान रखना है। इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी। और श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एचपीसीएल के नए चेयरपर्सन अब से होंगे पुष्प कुमार जोशी, और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है ये हैं मुकेश कुमार सुराना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, कल के दिन खलीफा बिन जायद अल नहान का निधन हो गया, कल शाम में ही इनका निधन हुआ है। ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो जायद अल नहान राष्ट्रपति थे यूनाइटेड अरब अमीरात के, और इनका निधन हो गया। आपको याद होगा टेलीग्राम पर कल मैंने क्विज भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड दिया था शाम को, इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे लेटेस्ट न्यूज़ थी बिल्कुल। और 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, और इनके निधन की वजह से यूएई के अंदर अगले 40 दिन के लिए शोकावकाश रखा गया है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, और ओमान की कैपिटल है मस्कट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अप्रैल के महीने के लिए भारत का जो व्यापार घाटा है इसको कितना कैलकुलेट किया गया है? मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अप्रैल महीना जो पिछला बीता है इसमें भारत सरकार को ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ है? तो ये ट्रेड डेफिसिट इस बार हुआ है 20 बिलियन डॉलर का करीब, 20.11 बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ है भारत सरकार को, और मार्च के महीने में ये 15.29 बिलियन था। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस बार जो ये घाटा है और बढ़ गया है करीब 5 बिलियन। और इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 2020 से 21 के सत्र में टोटल अगर घाटा बोला जाए, मतलब पूरे साल भर का व्यापारिक घाटा हमें कितना हुआ है, तो ये 102.63 बिलियन का व्यापारिक घाटा हुआ है भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ये अपना एक नया कार प्लांट स्थापित करेंगे हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यहां पर विच स्टेट की जगह विच डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। तो यहां पर हरियाणा का जो ये नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है मारुति सुजुकी के द्वारा, ये स्थापित किया जाएगा सोनीपत में। और इस प्लांट की खास बात होगी कि 800 एकड़ जमीन में स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए मारुति सुजुकी 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। कितना? 11,000 करोड़। मारुति सुजुकी की स्थापना करी गई थी 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है भारत में नई दिल्ली, और इसके सीईओ अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम है केनेची आयुकावा। मैं यहां पर लिख देता हूं, केनेची आयुकावा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी करंट अफेयर का ही हिस्सा है, अभी इनको पिछले महीने ही अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि राज्यसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं भारत के 15 राज्यों में, और ये राज्यसभा इलेक्शन होंगे 10 जून 2022 को। तो ये जो 15 राज्यों के अंदर राज्यसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, कितनी सीटों पर चुनाव होंगे इस बार? ये 15 राज्यों की 57 सीटों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी चीज, इनमें से देखने वाली बात यह होगी कि 57 में से सबसे ज्यादा सीटें जो वैकेंट हो रही हैं ये उत्तर प्रदेश की, 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश की चुनाव होगा। और इसमें से भी जो चीज देखने वाली होगी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहां पर निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं और साथ में कांग्रेस सीनियर लीडर पी चिदम्बरम साहब का भी जो टेन्योर है ये एक्सपायर होने जा रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि निर्मला सीतारमण और पी चिदम्बरम दोनों लोग फिर से चुनकर आते हैं या फिर इनकी जगह पर कोई और नया कैंडिडेट आएगा। इसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इनका एक बार इलेक्ट होके आना फिर से बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तो ये भी देखने वाली सारी बातें होंगी। बाय द वे, इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 में प्रावधान है हमारे संविधान में। और राज्यसभा के अंदर कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हाल ही में बनाए गए हैं राजीव कुमार जी, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले ये कुछ महीनों से इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे और अब इन्होंने सुशील चंद्र जी को सक्सीड किया है। सुशील चंद्र रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर राजीव कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अभी हाल ही में 5 महीने पहले ही अनूप चंद्र पांडे जी को भी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो अब से कमान संभालेंगे राजीव कुमार जी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है कैटलिन नोवाक। ये अभी हाल ही में कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट करी गई हैं? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की और इनको बहुमत मिला है, करीब 55% के आसपास इनको वोट मिले हैं और इसी के तहत हंगरी में पहली बार अब कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में सर्व करेंगी। इतना ही नहीं, ये हंगरी की यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गई हैं, सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट हैं। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं जैसिडा आर्डन, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की नई चेयरमैनशिप के लिए कौन से देश को इलेक्ट किया गया है? और ये इलेक्ट किया गया है देश 2022 से लेकर 24 तक के सत्र के लिए, मतलब अगले 2 सालों के लिए इलेक्ट किया गया है। तो ये है हमारा भारत। भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के रूप में नई अध्यक्षता दी है 2022 से लेकर 24 तक के सत्र के लिए। अगले 2 साल तक भारत इसको लीड करेगा। बाय द वे, AAEA की अगर बात करें तो इस टाइम पर एशिया के 20 देशों की इलेक्शन बॉडीज इसकी मेंबर है। अल्टीमेटली जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वो कहीं ना कहीं एशिया के अंदर देशों में जो चुनावी प्रक्रिया होनी चाहिए उसके लिए लीड करता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के अंदर जो इलेक्शन का प्रावधान है उसमें एक मिला जुला बहुमत होना चाहिए, साथ में प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, कोई भी कंट्री जो है वो अपने मनमानी ना कर सके, इन सारी चीजों के लिए एक सार प्रवाह रूप से यहां पर कॉन्फ्रेंस करी जाती है। और भारत की कैपिटल तो आपको पता ही है नई दिल्ली, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, टर्की की कैपिटल अंकारा और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर साल मनाया जाता है 12 मई को, परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पौधों की हेल्थ और मिट्टी की गुणवत्ता हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, पौधे हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात का एहसास हमें होना चाहिए। साइंटिफिक तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो पौधे हैं ये पूरे अर्थ के अंदर इंसानों के लिए जितना भी खाना है उसका 80% भोजन पौधे ही हमें बना कर देते हैं। इसके अलावा इस पूरी अर्थ के अंदर इंसान जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका 98% पौधे ही जनरेट करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये पौधे नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये सीनियर आईएएस अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है अल्केश कुमार शर्मा। और इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसके हाथ में है? तो इसके मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इस टाइम पे रेलवे मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और ये इससे पहले आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने अभी हाल ही में नया सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अपना किसको अपॉइंट किया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं व्यक्ति, इनका नाम है कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन अब एयर इंडिया की कमान संभालेंगे एमडी और सीईओ के रूप में। इससे पहले टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया के सीईओ के लिए ऑफर दिया गया था एल्कर आईसी को। किसको? एल्कर आईसी,
एल्कर आईसी जो हैं ये चेयरमैन रह चुके हैं टर्किश एयरलाइंस के, लेकिन इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद स्कॉट एयरलाइन और साथ में सिंगापुर एयरलाइंस को भी संभाल रहे हैं कैंपवेल विल्सन, इनको ऑफर दिया गया टाटा सन्स की तरफ से, और इन्होंने टाटा सन्स का ये ऑफर एक्सेप्ट किया और अब ये एयर इंडिया को संभालेंगे। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। जब एयर इंडिया की स्थापना करी गई थी तब ये टाटा का प्रोडक्ट हुआ करता था, उसके बाद ये भारत सरकार के अधीन हो गया, भारत सरकार ने इसको ले लिया, और आज की डेट में अभी आपको याद होगा करीब 3 महीने पहले ही एयर इंडिया को फिर से टाटा ने खरीद लिया है, क्योंकि एयर इंडिया लगातार घाटे में चली गई थी और भारत सरकार ने इसका ऑक्शन किया, भारत सरकार इसके 100% शेयर बेचना चाहती थी, तो एक बार टाटा सन्स ने फिर से इसके 100% शेयर एक्वायर कर लिए। इसके लिए टाटा सन्स ने भारत सरकार को 18,000 करोड़ की धनराशि पे करी है, कितनी, 18,000 CR की धनराशि। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, इसके द्वारा अभी हाल ही में कौन से पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो श्रीलंकन जुडिशरी ने अभी हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री जस्ट जो अभी स्टेप डाउन हुए हैं महिंदा राजपक्षा, इनकी हर तरीके की हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया है, मतलब ये देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, ना ये जा सकते हैं ना इनकी फैमिली जा सकती है। श्रीलंकाई जुडिशरी का कहना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी महिंदा राजपक्षा को एक तरीके से दोषी माना है क्राइसिस के लिए, कहीं ना कहीं साथ में पूरी जनता भी इनको दोषी मानती है श्रीलंका की क्राइसिस के लिए, तो फिलहाल ये देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इनको यहीं पर कॉरपोरेट करना होगा श्रीलंकन एजेंसीज के साथ। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, और रेनिल विक्रमसिंघे कल से प्रधानमंत्री की पोस्ट संभाल चुके हैं। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करी है, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम? तो ये है एमके स्टालिन की सरकार, तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं तमिलनाडु के अंदर, उन सभी स्कूलों में, मतलब इस टाइम पे तमिलनाडु में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जितने भी स्कूल हैं, हर एक स्कूल के अंदर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल में पहुंचते ही पहले, सबसे पहले, क्लास से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। और एमके स्टालिन की सरकार, पिछले ही साल यहाँ पर नई सरकार आई है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब है मुख्यमंत्री, और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि ये अपने जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को हेल्थ चेकअप्स दिए जाएंगे। इंडियन मेंस टीम ने अभी हाल ही में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इतिहास रच दिया है पहली बार मेडल जीत के थॉमस कप 2022 में। थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप खेला जाता है बैडमिंटन में, और ये जो थॉमस कप है ये इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, और थॉमस कप जो है ये सबसे पहली बार 1949 में खेला गया था, इसकी स्थापना हुई थी, इसमें 16 टीमें खेलती हैं इंटरनेशनल टीमें, तो अभी तक थॉमस कप में कभी भी भारतीय टीम नहीं जीती थी, या भारतीय मेंस टीम नहीं जीती थी, या आप कोई भी बोल सकते हो मेंस या वेमेंस, कोई भी टीम नहीं जीती थी, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय मेंस टीम ने यहां क्वार्टर फाइनल में मलेशिया को डिफीट किया है। किसको? मलेशिया को, और इस बार मलेशिया को 3-2 से डिफीट किया है। और इस बार का जो थॉमस कप है ये कहाँ पर खेला जा रहा है? ये थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में खेला जा रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लास्ट वाला थॉमस कप किसने जीता है, मतलब जो पिछला टाइटल था, इसकी विजेता थी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने लास्ट टाइटल जीता था, और पिछला जो थॉमस कप हुआ था वो 14वां टाइटल था, मतलब इस बार कौन सा हो रहा है, इस बार 15th एडिशन इसका खेला जा रहा है, जैसे आईपीएल का 15वां संस्करण चल रहा है वैसे ही 15वां संस्करण थॉमस कप का भी चल रहा है। और एसएससी मेगा कॉम्बैट टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके तुरंत इसके लिए एनरोल कर लीजिए, अनलॉक कोड Varun777 है। ये टेस्ट 15 मई को होगा, मतलब इस संडे को दोपहर में 12 बजे होगा, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अपना खुद का एनालिसिस करिए, अगर आपकी टॉप 3000 में रैंक होती है तो अन अकेडमी की तरफ से आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर और इसके अलावा मोबाइल या लैपटॉप जैसे गिफ्ट भी आप जीत सकते हो। फिलहाल आप गिफ्ट जीते या ना जीते अपना कहीं ना कहीं एनालिसिस करिए, और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका फ़ायदा उठाइए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके आप एनरोल कर लीजिए, कोड आपको बताइए Varun777।
और अनअकैडमी पर प्राइस हाइक आने वाला है, तो आप इसी कोड का यूज़ करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके अभी जो भी ऑफर चल रहे हैं उन्हें अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आगे प्राइस फिर से बढ़ने वाले हैं अगले हफ्ते 10 दिन में। आज की बात यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।